वल्लभ नगर मेवाड़ की हॉट सीट वल्लभ नगर पर एक बार फिर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं, जब शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर आकर जनता को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बयान जारी किया कि वल्लभ नगर में थोपा हुआ उम्मीदवार कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वर्तमान भाजपा धनबल और विज्ञापन के माध्यम से चलाई जा रही दुकान ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। वल्लभ नगर सीट पर अगर कमल खिलाना है तो किसी भी आम कार्यकर्ता को टिकट देना ही होगा, जिसने वर्षों से पार्टी का जमी स्तर पर कार्य किया हो। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में वक्ताओं ने व्यक्त किए हैं। सम्मेलन शनिवार को उपखंड क्षेत्र के केदारिया ग्राम पंचायत के केदारेश्वर महादेव मंदिर में हुआ था। इसके बाद वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिस तरह से कैंडिडेट का हम सुन रहे हैं, उसके पीछे ये सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से बात करके टिकट दिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि शायद इतने कार्यकर्ता उस मंच पे किसी मंच पे भी नहीं है। सब पूर्व पदाधिकारी हैं, कोई जिले का पदाधिकारी है, तहसील के पदाधिकारी है, प्रधान है, उपप्रधान है, तो ये सभी का एक ही है कि कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार। तो ये पार्टी के जो अभी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, उनका विरोध है या पार्टी के वरिष्ठ? नहीं, विरोध 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 हमारा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के कहने से टिकट दिया जाए, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे आज, जैसे मेरे लिए मैं पूछ के दूं कि मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, मैं इस तहसील में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कि टिकट, और उसके बावजूद भी बुलाया नहीं जाता कहीं मीटिंग में, तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे गांव में, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में एमपी साहब पदार्थे हैं, उस गांव में प्रभारी साहब पदार्थे हैं, और वहाँ मीटिंग करके जाते हैं, मैं घर में सोया रहता हूँ। तो ये का ये सभी कार्यकर्ताओं का हाल है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा वल्लभ नगर तहसील का कार्यकर्ता जीते हुए, हम सबको बिठा दो, हमने अभी मंच से ही कहा है, हम सबको बिठा दो और जिसको टिकट देना है कार्यकर्ता के उसको दो, और जीता के हम जयपुर पे देंगे।